बीजेपी ने केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें छत्तीसगढ़ से दो नए नाम जेपी नड्डा की टीम में शामिल किए गए हैं। सांसद सरोज पांडे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद सरोज पांडे ने बंसल न्यूज संवाददाता रोबन ठाकुर से खास बातचीत की है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद दिया। साथ ही छत्तीसगढ़ समेत कई मुद्दों पर खास बातचीत की। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे जी को एक नया उपाधि, एक नया दर्जा मिल चुका है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्हें उपाध्यक्ष के पद से नवाजा गया है। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं, क्या कुछ अब रहेगा। जी मैडम, बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मैडम। अब नई जिम्मेदारी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पार्टी ने अवसर दिया है, पहले भी अवसर दिया, इसके पहले भी बहुत अवसर दिया है। मैं बार बार अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने लगातार अवसर दिया और मुझे काम करने का अवसर संगठन में लगातार मिला है। अब ये नई भूमिका है, नई जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ में हम काफ़ी कम है विधायक की सीट पर देखा जाए तो, अब इसको आप कैसे निखारेंगे कि कैसे हमारी आपकी 15 साल की सत्ता जो वापस आएगी? अब परिस्थितियाँ अलग होंगी। जिस प्रकार से कांग्रेस ने यहाँ पिछले 5 साल में काम किया और घोषणा पत्र को पूरा नहीं किया, हमारा ये मुख्य मुद्दा होगा। हम इन विषयों को लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं। आज क्या कांग्रेस की स्थिति को कैसे देखते? उन्होंने सभी के साथ विश्वासघात किया, चाहे वो महिलाओं की बात हो या युवाओं की बात हो। तमाम जगहों पे उन्होंने जिन बातों को कहा वो पूरा नहीं हुआ, घोषणा पत्र पूरा नहीं हुआ और अब उसे वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें इतनी शर्तें लगाते हैं कि वो पूरी नहीं हो सकती है। तो जनता के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है, अपने घोषणा पत्र को पूरा नहीं किया। मणिपुर के मुद्दे को लेकर भाजपा को घेरने की कोशिश की जा रही है। हम चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं, सदन में आए और चर्चा करें। भारत के सभी राजनीतिक दल आज एक पायदान पे है, सिर्फ और एक भाजपा के विरोध में, इसको कैसे देखते हैं? सभी राजनीतिक दलों को अपना अस्तित्व खतरे में दिखाई देता है। जो सबसे पुरानी पार्टी है उसको सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। तो सभी अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक है। किसी की विचारधारा एक नहीं है, किसी का मुद्दा एक नहीं है, कोई कहाँ जाना है इस पर तय नहीं है। तो कोई भी कहीं से भी आके कहीं इकट्ठा होके एक नया संगठन बनाकर खड़ा करे और उसमें भी फूट पड़ जाए, बनते साथ ही फूट पड़ जाए, तो उसे क्या कहिएगा? छत्तीसगढ़ में क्या रणनीति रहेगी, अगर कुछ छोटा सा कह पाए? छत्तीसगढ़ में हम चुनाव जीतेंगे, हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। भिलाई से बंसल न्यूज के लिए प्रोबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट।